आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, जिसके पीछे हैं दो मेन रीजंस। सबसे पहला रीजन तो ये कि आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कुछ बहुत ही नए और यूजफुल कॉइन रिलेटेड टूल्स जो आपको अपने कॉइन्स को स्टडी करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है, जैसा कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के काफ़ी समय से ये कमेंट आ रहे थे कि जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने आपको कुछ टूल्स के बारे में बताया था, तो इन सभी टूल्स को आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए, तो ये मैं आपको क्लियरली आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम देखें आज के इंटरेस्टिंग कॉइन रिलेटेड टूल्स, अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी कॉइन कलेक्शन में रेयर इंडियन कॉइन्स, फिर चाहे वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स हो, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हो या फिर एंशिएंट इंडिया कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कॉइन सेलिंग एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है कॉइन बाजार। कॉइन बाजार की ये एप्लीकेशन इजीली सर्च करने पे आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे। फिर आप अपने आप को इस पे रजिस्टर कीजिए और आप सर्व कर सकते हैं इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉइन्स को, जिसमें आपको नज़र आएंगे सेलिंग के लिए लिस्टेड काफ़ी सारे कॉइन्स, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से कॉइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो कॉइन बाजार एप्लीकेशन की मुझे लगती है वो है इसकी 7 डेज रिप्लेसमेंट रिटर्न पॉलिसी। कॉइन बाजार की इस एप्लीकेशन को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप में से ही काफ़ी सारे व्यूअर्स के इस एप्लीकेशन से कॉइन्स को परचेज करने के काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं, तो इस बेसिस पे मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वो भी इस एप्लीकेशन को ज़रूर चेक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। कॉइन बाजार का प्ले स्टोर एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। तो अब आते हैं आज के इंटरेस्टिंग कॉइन रिलेटेड टूल्स पे। तो कौन से हैं ये टूल्स, कैसे हैं ये टूल्स यूजफुल और कहां से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और साथ ही साथ इन टूल्स को समझाते हुए आपको देखने को मिलेंगे कुछ बहुत ही यूनिक सिक्के। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन टूल्स पे और समझते हैं इनकी डिटेल्स। तो सबसे पहले इन दो इंटरेस्टिंग टूल्स को आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। शायद सिंपली देखने पे आपको ये समझना आए कि ये क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों टूल्स हैं ये है मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिन्हें आप लेंस भी कह सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सिक्कों के छोटे से छोटे डिज़ाइन को स्टडी करने के लिए आपको अच्छे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने चाहिए। ये मीडियम रेंज के दो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। क्या है इनकी खासियत, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इस वाले मैग्नीफाइंग ग्लास को मैं पर्सनली आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो आइए मैं आप सभी को इसको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये है इस मैग्नीफाइंग ग्लास का बॉक्स या केस कवर भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास के बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन को। ये कम्प्लीटली मेटल का बना है और इसका एकदम मिरर फिनिश है, जैसा कि आप सभी मुझे इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे ओपन होता है। तो ये है इसका मैग्नीफाइंग लेंस जो 30x मैग्नीफिकेशन देता है। और जो सबसे खास बात इस मैग्नीफाइंग ग्लास की है वो है इसमें ये LED लाइट्स, और यहाँ पे है इसका स्विच बटन। आप अगर इसे ऑन करते हैं तो ये LED लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो जब आप अपने कॉइन्स को स्टडी कर रहे हैं और आपके पास नेचुरल लाइट सफिशिएंट है तो आप इसे सिंपली विदाउट LED लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है तो आप इस LED लाइट को ऑन कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगी कॉइन्स को अच्छे से देखने में। तो आइए मैं आपको डेमो के साथ दिखाता हूं कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपको कॉइन्स के डिजाइन को कैसे स्टडी करने में अच्छे से हेल्प करेगा।
तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमारे पास है 1940 और 1944 में जारी किए गए किंग जॉर्ज सिक्स के ये 1 रुपी कॉइन्स। 1940 का ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और 1944 का ये सिक्का लाहौर मिंट से। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने एक वीडियो में बताया था कि इन 1 रुपए के सिक्कों में जो मिंट मार्क है वो नज़र आता है इस फ्लावर पैटर्न के नीचे। इस वीडियो को आप ज़रूर चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन मिंट मार्क्स को नेकेड आई से देखना इतना ईजी भी नहीं है, तो यहाँ पे काम आता है आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्लियरली मिंट मार्क्स को आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फ्लावर पैटर्न के नीचे आपको डॉट मिंट मार्क अच्छे से अब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। अगर आप इस फ्लावर पैटर्न को भी देखेंगे तो इसका डिज़ाइन भी इन दोनों सिक्कों में डिफरेंट होता है, इसे भी आप ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको इस फ्लावर पैटर्न में भी डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिलेगा और आपको इसके नीचे नज़र आएगा एल मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये सिक्का लाहौर मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ऐसे ही मैंने आपको पुराने एक वीडियो में बताया था कि 5 रुपये के दांडी मार्च के सिक्कों में कई वेराइटीज़ देखने को मिलती है, जिसमें से एक वेराइटी में डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड नज़र आता है और दूसरी वेराइटी में काफ़ी क्लियर। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी करते हैं। तो ये हुआ ब्लर्ड डिजाइन। तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं दूसरे पैटर्न को, जिसमें आपको काफी क्लियर डिजाइन नजर आता है। तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये बैटरी ऑपरेटेड मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसमें आपको बटन सेल्स डालने रहते हैं, जिस वजह से ये एलईडी लाइट ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में मिलती है इसकी ये की, जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जब आपके सेल खत्म हो जाए तो यहाँ पे आप इन बटन सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस ब्लैक कलर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास की। ये भी बहुत अच्छा लेंस है कॉइन्स को स्टडी करने के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दो टाइप के लेंसेज हैं, एक 30x और एक 60x। तो आइए इस लेंस को भी अच्छे से देख लेते हैं। तो ये लेंस कुछ ऐसे ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेंस है ये 30x वाला है और ये लेंस 60x। यानी कि कॉइन डिज़ाइन के काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस लेंस से इजीली विजिबल हो जाएंगी, लेकिन अगर फिर भी और कोई माइन्यूट चीज़ें हैं और कोई छोटी चीज़ें हैं तो आप इस लेंस से उसको देख सकते हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास की भी एक खासियत है कि इसमें भी आपको एलईडी लाइट दी गई है फॉर बेटर विजिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका बटन है, इसे आपको स्लाइड करना है नीचे को, तो बैक साइड में आपकी एलईडी लाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब आप अपने कॉइन के डिज़ाइन को अच्छे से देख सकते हैं, तो इसका भी छोटा सा डेमो मैं आपको दे देता हूं। अब खादी थीम के इन सिक्कों में एक सिक्का नॉर्मल इशू है और दूसरा सिक्का म्यूल इशू। जो नॉर्मल इशू है उसमें आपको नजर आता है मुंबई मिंट का डायमंड मिंट मार्क और म्यूल इशू में आपको नजर आता है प्रूफ मिंट मार्क M। तो ये भी आपको शायद ऐसे देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो इसे भी आप क्लियरली इन मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क। वीडियो में लेंस के थ्रू दिखाना शायद मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन नॉर्मली जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको और क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लियरली नज़र आएगा M मिंट मार्क। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, जिसमें भी बटन सेल्स डलते हैं, इसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपके बटन सेल्स डलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो टूल नजर आ रहा है ये है इंच टेप, यानी कि मेजरिंग टेप, जो कि टायर की शेप में है, जिसका डिजाइन काफी अच्छा है। तो ये देख सकते हैं आप इसका मेजरिंग स्केल। इसमें जो बॉटम में ये जो स्केल है ये मिलीमीटर में है, तो इससे कॉइन में अगर आपको किसी लेंथ को मेजर करना है आप उसे इजिली मेजर कर सकते हैं।
इसके लिए आप कोई भी मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं जिसमें मिलीमीटर का ये स्केल आपके पास है। ये जस्ट मेरी कलेक्शन में है तो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो इसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हमारे पास है रुपीस सिंबल वाले दो डेफिनेटिव 5 रुपए के सिक्के। देखने में आपको ये दोनों सिक्के एकदम सिमिलर लगेंगे, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया है कि इन सिक्कों में नज़र आते हैं म्यूल कॉइन्स। तो ये जो सिक्का है ये नॉर्मल इशू है और ये जो सिक्का है ये म्यूल इशू है। तो इन सिक्कों में म्यूल इशू का पता लगता है इस अशोक स्तंभ से। ये जो म्यूल कॉइन्स हैं इनमें जो अशोक स्तंभ नज़र आता है वो नज़र आता है 1 रुपए के इन सिक्कों में नज़र आने वाला अशोक स्तंभ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अशोक स्तंभ है वो नॉर्मल इशू वाले 5 रुपए के सिक्कों के अशोक स्तंभ से साइज़ में छोटा होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 13.5 mm, लेकिन जो ये अशोक स्तंभ है इसकी लेंथ होती है 13 mm। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो ये रेगुलर इशू में नज़र आने वाला अशोक स्तंभ है इसकी जो लेंथ है वो है 13.5 mm। और यहीं अगर आप म्यूल इशू के सिक्के को देखते हैं तो इसमें जो अशोक स्तंभ की लेंथ है वो है 13 mm। जॉर्ज 6 के ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं इसमें नज़र आते हैं डिफरेंट हेड साइजेस। ये है लार्ज हेड, ये है मीडियम हेड और ये है स्मॉल हेड। इन्हें भी आप एक्यूरेटली मेजर करके देख सकते हैं मेजरिंग टेप से। आप देख सकते हैं ये जो लार्ज हेड है ये 21 mm के बराबर है। यहीं अगर मैं मीडियम हेड की बात करूं तो ये लगभग 19 mm के बराबर है। और 1947 के इन 1 रुपए के सिक्कों में आपको नज़र आता है स्मॉल हेड, तो ये आप देख सकते हैं लगभग 17 से 18 mm के बीच है। तो मेजरिंग टेप भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जब आप अपने सिक्कों को स्टडी करते हैं। तो ये है डिजिटल वर्नियर स्केल, जिसे आप चिल्लर ज्ञान के बहुत सारे वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं और इस पर हम डिटेल्ड वीडियो भी बना चुके हैं। ये काम आता है सिक्कों के डायमीटर को मेजर करने में। इस डिजिटल वर्नियर स्केल के मैनुअल स्केल से भी आप लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं म्यूल कॉइन के अशोक स्तंभ की लेंथ 13 mm। तो ये है डिजिटल वेइंग स्केल, इसे भी हम चिल्लर ज्ञान के काफ़ी सारे वीडियोस में यूज़ करते हैं। ये काम आता है सिक्कों के स्टैंडर्ड वेट को मेजर करने में। डिजिटल वर्नियर कैलिपर के साथ साथ इस डिजिटल वेइंग स्केल की कंप्लीट फंक्शनिंग को भी हम पुराने उसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट टूल है ये मैग्नेट। हालांकि आप इसे सिर्फ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और निकल जैसे मेटल को ही टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केवल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और निकल मेटल ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं एज़ फार एज़ रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के मेटल कॉम्पोजिशन को हम देखें। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मेरे पास है डिफरेंट मेटल कॉम्पोजिशन के सिक्के, 50% सिल्वर, निकल ब्रास, कॉपर निकल, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और निकल। तो आप देख सकते हैं निकल मेटल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के इजीली इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गए, जो इनके मेटल कॉम्पोजिशन को प्रूव करते हैं कि वो एक्यूरेट हैं। निकल ब्रास और कॉपर निकल के इन सिक्कों में जैसे निकल का कॉम्पोजिशन काफ़ी कम होता है इसलिए ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन मेटल कॉम्पोजिशन में कोई सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो OMS कॉइन है, यानी कि उसमें निकल का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, या फिर वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। सिक्कों की बेसिक जानकारी, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, क्या है सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस, ये सभी चीज़ें आपको इन बुक्स में अच्छे से जानने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पुराने एडिशन की एक बुक है और एक लेटेस्ट एडिशन की, तो आपको लेटेस्ट एडिशन वाली ये बुक ही लेनी है। तो ये हुए कुछ नए और कुछ पुराने टूल्स और कॉइन बुक जो आपको अपनी कॉइन कलेक्शन को स्टडी करने में अच्छे से हेल्प करेंगे। अब आप इन्हें कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो कैसे लगे आप सभी को ये इंटरेस्टिंग कॉइन रिलेटेड टूल्स? आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन सभी टूल्स में से एक एक पीस तो ज़रूर होना चाहिए आपके कलेक्शन में भी। तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप इन सभी टूल्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं अपनी कलेक्शन के लिए।
तो जैसा कि मेजरिंग टेप और मैग्नेट तो कॉमन टूल्स हैं जो आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि डिजिटल वर्नियर स्केल है, डिजिटल वेइंग स्केल है, मैग्नीफाइंग ग्लास विद LED, कॉइन बुक्स, इन सभी चीज़ों के डायरेक्ट लिंक्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और इन लिंक्स को क्लिक करके आप डायरेक्टली इन टूल्स को परचेज कर सकते हैं। मैंने कुछ और कॉइन एक्सेसरीज के लिंक्स भी आपके साथ शेयर किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें आज के वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में मैं उन्हें ज़रूर कवर करूँगा। तो अगर आप उन एक्सेसरीज़ को भी पहले ही चेक और परचेज करना चाहते हैं तो आप उनके लिंक्स भी ज़रूर देख सकते हैं। चिल्लर ज्ञान के सभी वीडियोस में अब से आपको ये लिंक्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जब कभी आपको कॉइन रिलेटेड टूल्स या एक्सेसरीज परचेज करने हैं तो आप चिल्लर ज्ञान के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और इन लिंक्स पर क्लिक करके उन आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो व्यूअर्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इन गैजेट्स को परचेज करने का, वो फटाफट से इन लिंक्स को चेक करें और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को परचेज करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कौन सा टूल आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जिसे आप सबसे पहले परचेज करने वाले हो? जल्दी से जल्दी हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता आप जैसे कई ऐसे व्यूअर्स हों जिनको ऐसे गैजेट्स की रिक्वायरमेंट हो लेकिन उनको परचेज करने का ऑप्शन पता ना हो, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।